सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत पहुंचे अशोक तंवर ने कहा कि चुलाना में जननायक जनता पार्टी रैली कर रही है। इस पर तंवर का कहना था कि जो खुश हैं वो रैली कर रहे हैं और जो खुश नहीं हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी से कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो और कांग्रेस पार्टी से भी लोगों का मुंह भंग हो चुका है। इन दोनों पार्टियों से लोग आने वाले चुनाव में हिसाब लेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। तंवर ने कहा कि बीजेपी पार्टी कोई क्रांतिकारियों की रैली नहीं कर रही है। जहां भी बीजेपी पार्टी या उससे सहयोगी पार्टी की रैली होती है आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे यह साबित होता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है और प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को ही वोट करेगी। आम आदमी पार्टी ब्लॉक स्तर से गांव स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रही है और आने वाले समय में केजरीवाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम तो रैलियों का, धरने प्रदर्शन का ये समय है, जो खुश है अपने तरीके से अपना खुशी इजहार करेंगे और जो लोग परेशान हैं, जिनको ये लगता है कि सरकार ने जो वायदे किए थे आज से 9 साल पहले, 4 साल पहले, वो पूरे नहीं करे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगारी की मार झेलने वाले नौजवान हो, कर्मचारी, आप देख ही रहे हो लगातार कहीं प्रदर्शन चलते हैं तो कहीं साइकिल यात्राएं चल रही है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के। तो ऐसे में वो अपने तरीके से प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और आम आदमी के लोगों को लगातार जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी भी जिले के अंदर कोई भी सरकार के, चाहे सहयोगी हो, चाहे सरकार के खुद लोग हों, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, उनके खिलाफ भारी आक्रोश प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि 2024 में लोग सत्ता बदलने का काम करेंगे और आम आदमी की सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा और देश में वो बनाएंगे। तंवर जी लगातार सेंटर मिनिस्टर हैं, जो वो रैलियां कर रहे हैं बीजेपी के, अमित शाह आए हैं, उसके बाद नितिन गडकरी की रैली है, अब भी रैलियां राजनाथ पहुंच रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी जो दावा करेगी 2024 में बहुमत से सेंटर और केंद्र में राज्य में सरकार बनाएंगे? क्योंकि रैलियां तो आप देख रहे हो किस तरह की रैलियां हैं, कोई रैलियों में ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत क्रांतिकारी, अब ये हमारे बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन काट दिए, गरीब आदमी ये राशन कार्ड काट दिए, तो ऐसे ही जो है खिलाड़ियों को पिटवा रहे हैं, किसान को सूरजमुखी और दूसरी फसलों के MSP नहीं मिल रहे, चीजें थोपी जा रही हैं, बेरोजगारी में पूरा नंबर 1 आज हरियाणा हो गया, अपराध और अराजकता है चारों तरफ, कानून का राज तो है नहीं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि दावे तो हर कोई करेगा लेकिन दावों में दम नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जरूर बने लेकिन गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है, खुद उनके प्रभारी ये करे गुटबाजी कम करने का काम करें। हाँ, तो इसी से पता चलता है कि अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई गुटबाजी नहीं है, जब प्रभारी ने मान लिया कि भाई कांग्रेस खंडित है, विखंडित है, टुकड़ों में, ग्रुपों में, गुटों में बटी हुई है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास कोई ऐसा घोल है, कोई ऐसी दवाई है या कोई ऐसा फेविकॉल है जो इनको जोड़ पाएगा। ये जैसे जैसे समय और बीतेगा ये दूरियां बढ़ती जाएंगी और मैं समझता हूँ कि वैसे तो जनता इस बात को देख रही है और जनता सिरे से जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही नकार रही है। नया विकल्प जो है वो आने वाले समय में आम आदमी तैयार करके देगी और उस पर हमारा काम चल रहा है। संगठन का निर्माण आम आदमी ने ब्लॉक स्तर तक कर दिया, अब सर्कल कमेटीज का गठन होगा, सर्कल के बाद बूथ और जो है हम गांव में जाएंगे। 2.5 लाख पदाधिकारियों की जब सेना तैयार होगी, हर घर में हमारा लक्ष्य है कि हर दूसरा हरियाणा का व्यक्ति वो आम आदमी पार्टी का समर्थक हो। वो समर्थक इसलिए कि आम आदमी उनके जो सपने हैं वो साकार करने का काम करेगी, इसलिए जो है जब ये तैयार हो जाएगा अगले 2-3 महीने में, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी हर तरीके से अग्रणी होगी
और लोगों की और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करें। सर बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश है, हरियाणा में कुछ नहीं है। देखो हम तो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उनके नीचे से तो जमीन ही चली गई, जमीन साफ है। किसी शायर ने कहा कि आंधियों में इस कदर बदहवास हो गए लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। तो मामला जो है बहुत खतरनाक है, उनको एहसास हो जाएगा कि भाई सब कुछ मामला खोखला है, और चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का संगठन मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले कहीं नहीं टिकेगा। हमारे जो साथी हैं वो इतनी मेहनत करेंगे, इतनी लगन के साथ लोगों की लड़ाई लड़ेंगे कि लोग आम आदमी का साथ देंगे, जैसे दिल्ली के अंदर दिया, पंजाब में दिया। दिल्ली में जो एक टाइम था बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई थी, कहते हैं कि वो जो है जो ऑटो होती है ऑटो टेम्पो उसमें बैठने लायक छोटी थी, फिर पंजाब में पहुंचे तो वो 2 पे पहुंच गए, सिर्फ साइकिल पार्टी होगी। और अब जो है आने वाले समय में वो साइकिल भी उनकी छीन ली जाएगी, और जो है जनता हरियाणा की इनको गधे में बिठाने का काम करेगी। अशोक तंवर जी, जेजेपी और बीजेपी के समर्थन में सरकार बनी थी, लेकिन अब दोनों पार्टियों के नेताओं की जुबानी जंगी कम नहीं हो रही है। उनकी पार्टी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, प्रभारी कह रहे हैं कि गठबंधन कहां है। देखिए मैं समझता हूँ कि स्पष्टता नहीं है, या तो दिमाग में ही कुछ और फतूर चल रहा है, या जो है जनता के प्रति ईमानदारी से बात नहीं कर रहे। अगर गठबंधन नहीं रखना है तो भाई तोड़ दो, रोज बात करने का क्या फायदा है। और नहीं तो फिर गठबंधन धर्म निभाओ, लोगों की सेवा करो, काम करो। ये कौन सी बात है कि रोज जो है कई महीने से हम देख रहे हैं हर मीटिंग में वो उसके ऊपर कटाक्ष करता है, वो उसके ऊपर, या तो जानबूझ करके इस तरीके का एक लोगों के बीच में नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि इस तरीके की चर्चा चलती रहे और जनता कंफ्यूज रहे, या फिर मैं समझता हूँ कि इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए छोड़ दो। जनता आखिरी में 24 में फैसला करेगी और 23 में मौका मिलेगा, 23 में फैसला कर देगी। जो विपक्ष की यूनिटी है, भारतीय जनता पार्टी ने आज NCP के जो वहां पर नेता है शरद पवार के भतीजे हैं, अब वो आज उनको उठा ले गए वो, तो ऐसे ही। और यही बीजेपी की ताकत बन रही है, और कोई ताकत नहीं है बीजेपी की। उन्होंने विपक्ष को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। विपक्ष में लोगों ने जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए बनाए हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनका मन दिमाग सब कुछ दूषित हो चुका है, आज वो पूरी तरीके से सरेंडर है।